लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले और सभी राजनीतिक पार्टियों की सरकार में मंत्री रहने वाले रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। रामविलास पासवान को बिहार चुनाव से पहले दुनिया को अलविदा कह देना ये लोक जनशक्ति पार्टी के लिए काफी क्षतिपूर्वक है। आपको बता दें, 24 अक्टूबर को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत में काफी सुधार आई और फिर कल अचानक तबीयत बिगड़ जाने से रामविलास पासवान ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु की जानकारी उनके बेटे चिराग पासवान ने उनके साथ बचपन की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट कर दी, तो उसके बाद राष्ट्रपति से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक शोक व्यक्त किया। तो वहीं आज उनका पार्थिव शरीर उनके दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में ले जाया गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वो जिंदगी भर दलित पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। जिंदगी उन्होंने इन्हीं विषयों के लिए खपा दी। एक जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे और ऐसे व्यक्ति अचानक, अभी जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी वो आए थे दो सप्ताह पहले, लेकिन अभी वो चल बसे। बहुत दुखद समाचार है। विलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। इतना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, लोगों की आवाज़ को, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की हमेशा उन्होंने उत्थान की बात कही है। हम लोग पूरा हमारा परिवार रामलाल जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता है। हम लोग का घरेलू संबंध था, आना जाना भी रहता था, हर चीज़ में दुख सुख में समाचार लेना पूछना, और भगवान से ही उनसे प्रार्थना करती हूँ, भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे और परिवार जन को शक्ति दे। देश के बड़े ही लोकप्रिय नेता के रूप में, और हम ये कह सकते हैं गरीबों के मसीहा के रूप में थे। 74 आंदोलन में हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में हम साथ रहे, और बराबर जिस प्रकार से उनकी आत्मीयता और हरदम बड़े ही मीठे स्वर से बात करते थे, ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खो करके सचमुच में इसकी क्षति, ये अपूर्णीय क्षति है।